गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों कल मैंने आपको मैथ्स में कौन से क्वेश्चन कराए थे? क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको होमवर्क से करने के लिए दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हम पहले ही पढ़ चुके थे, कर चुके थे ना, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। देखिए क्या है, बाय सेलिंग अ टीवी फॉर ₹8500, मतलब हमने एक टीवी को सेल किया और सेल करने के बाद हमें कितने रुपीस मिले, मतलब कितने रुपीस का हमने उसको सेल किया, ₹8500 का, ठीक है। कोई चीज़ हमारे पास थी, हमने उसको सेल कर दी, हमने टीवी था हमारे पास, हमने उसको सेल कर दिया, कितने रुपीस का सेल कर दिया, ₹8500 का। आगे देखिए क्या लिखा है, अ लॉस ऑफ 1500 इज सफर्ड, मतलब और उस टीवी को जब आपने सेल किया तो आपको क्या हुआ, लॉस, क्या हुआ, लॉस, और कितना लॉस हुआ, 1500 का आपको लॉस हुआ, 1500 का क्या हुआ, आपको लॉस हुआ। तो अब आपको क्या निकालना है बच्चों, देखिए, फाइंड द लॉस परसेंट, आपको क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको किस किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जल्दी बताइए, क्या होता है लॉस परसेंट का फॉर्मूला, लॉस अपॉन CP इंटू 100, क्या होता है इसका फॉर्मूला, लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो अब हमारे पास SP दी गई है बट CP नहीं है, तो हम लॉस के फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, CP निकाल सकते हैं ना, क्योंकि लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP। तो जब CP माइनस SP होता है, लॉस गिवन है, CP नहीं है और SP गिवन है, तो आप इसमें से CP निकाल सकते हैं। आफ्टर देन CP निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, लॉस परसेंट, क्या निकालेंगे हम, लॉस परसेंट। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए हमें क्या क्या गिवन है, SP हमें दे रखी है, कितनी, ₹8500, ओके, और लॉस जो आपको दिया गया है दैट इज़ ₹1500, ठीक है। SP आपको दी है ₹8500, लॉस आपको दिया गया है ₹1500। हम क्या निकालेंगे, CP, तो लॉस का फॉर्मूला लगाइए, CP माइनस SP। देखिए यहाँ पर आपको लॉस दिया है 1500, CP आपको नहीं दी गई है, SP आपको दे रखी है 8500। हम क्या निकालेंगे, CP, कैसे निकालेंगे, देखिए ये यहाँ पर नेगेटिव में इधर आके पॉजिटिव का, 1500 प्लस 8500 कितना आ जाएगा, देखिए 10000 आ गया, CP कितनी आ गई, 10000, कितनी आ गई CP, 10000। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, लॉस परसेंट, देखिए कैसे निकालेंगे, क्या होता है लॉस परसेंट का फॉर्मूला, लॉस अपॉन CP इंटू 100, लॉस कितना है 1500, CP 10000 मल्टीप्लाई 100, तो ज़ीरो से दो ज़ीरो कैंसिल, इन दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो कैंसिल, कितना आ गया आपका 15%, कितना आ गया लॉस 15%, कितना आ गया बच्चों लॉस 15%। आई बात समझ में सभी बच्चों को, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया ना, मैंने आपको करके दिखाया, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्या है, बाय सेलिंग अ टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर होता है, तो जब हमने उसको सेल किया, बेचा, कितने रुपीस का बेचा, कितने रुपीस का सेल हुआ, ₹1100, कितने रुपीस का सेल हुआ, ₹1100, तो 1100 का हमने उसे क्या किया, सेल किया। उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है,
अ लॉस ऑफ 400 इज सफर्ड. तो हमें 400 का क्या हुआ, लॉस हुआ. कितने रुपीस का लॉस हुआ, 400 रुपीस का लॉस हुआ. फाइंड द लॉस परसेंट, तो आपको क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है. आप देख सकते हैं ये सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 13 जैसा है. देख सकते हैं जो जो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन था वही क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है. तो जब आपको क्वेश्चन नंबर 13 मैंने समझाया है तो आप इजीली क्वेश्चन नंबर 14 कर सकते हैं ना. सभी बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन नंबर 13? तो जैसे मैंने आपको 13 सिखाया है इन द सेम वे आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी करना है. अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. क्या है क्वेश्चन नंबर 15? ₹24.50 वॉज गेन्ड बाय सेलिंग अ टी शर्ट फॉर ₹144.50. देखिए क्या है इसका मतलब, मैंने एक टी शर्ट सेल की और टी शर्ट जब मैंने उसको सेल किया बेचा तो मुझे प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ लिखा है यहाँ पर. मुझे क्या हुआ, गेन हुआ. कितने रुपीस का गेन हुआ, 24.50 का मुझे गेन हुआ. और उसे मैंने सेल कितने रुपीस की ₹144.50. मतलब सेलिंग प्राइस दे रखी है. आप ये समझिए जहाँ पर सेलिंग आ रहा है डैट मीन्स वो कौन सी प्राइस हो गई, सेलिंग प्राइस. और जहाँ पर बॉट किया है, खरीदा है, परचेज किया है, इट मीन्स वो हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस. तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़कर ये पहचानना सीखें कि कौन सी सेलिंग प्राइस है और कौन सी कॉस्ट प्राइस है. ओके ठीक है, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि सेलिंग प्राइस क्या होती है और कॉस्ट प्राइस क्या होती है, या कौन सी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दी गई है और या कॉस्ट प्राइस दे रखी है. ठीक है बच्चों, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द गेन परसेंट. आपको गेन परसेंट निकालना है. तो कैसे निकालेंगे गेन परसेंट, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन CP इंटू 100. क्या होता है, गेन अपॉन CP इंटू 100. तो फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP इंटू 100. अब गेन मुझे गिवन है, CP नहीं गिवन, तो हमें क्या निकालनी होगी, CP निकालनी होगी. चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि उसको हम कैसे करेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको SP गिवन है, गेन गिवन है. आपको क्या करना है, गेन परसेंट निकालना है. तो गेन परसेंट के लिए हम पहले क्या निकालेंगे बच्चों, पहले हम गेन परसेंट के लिए क्या निकालेंगे, गेन परसेंट इक्वल टू SP माइनस CP. ठीक है, तो SP माइनस CP क्या होगा, 144.50. CP आपको दी नहीं गई है और गेन कितना दिया है, 24.50. आपको पता है गेन कह ले या प्रॉफिट कह ले बात एक ही है. ठीक है, तो CP क्या आएगी आपकी, ₹144.50 माइनस 24.50. अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, ₹120. ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं गेन परसेंट. तो हम गेन परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं. ये क्या होता है गेन परसेंट का फॉर्मूला, गेन अपॉन CP इंटू 100. तो गेन कितना है, 24.5, CP 120 मल्टीप्लाई 100. ओके, 10 से 10 कैंसिल, 100 आया नीचे 10, तो इस 10 से ये 10 कैंसिल. तो हमारे पास क्या रह गया, ओनली 12 से 245 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. क्या करना है बच्चों, 12 से 245 को डिवाइड. ओके चलिए डिवाइड कीजिए, आप डिवाइड कीजिए फिर आंसर बताइए मुझे. देखिए क्या आया आंसर, 20.41%. क्या आया इसका, 20.41%. आई बात समझ सभी बच्चों को, तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया,
क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या करना था? कुछ नहीं करना था, आपको गेन दिया गया था, एसपी दी गई थी, आपको क्या निकालनी थी? सीपी। आफ्टर देन सीपी निकालने के बाद आपको क्या करना था? गेन परसेंट का फॉर्मूला रखना था और गेन परसेंट के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करना था, फिर उस वैल्यूज को सॉल्व कर जो आपका आंसर आएगा दैट इज गेन परसेंट। ओके, तो ये गेन परसेंट है जो उसको एक टी शर्ट सेल करने पर हुआ। आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। तो आप सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया? अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, क्योंकि उनको करने का तरीका कुछ अलग है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16, 17 जब और आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी उनके साथ सिखाऊंगी। तो हम पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है? क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 18। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बाद में सिखाऊंगी, क्योंकि वो मैंने बताया ना, वो थोड़े से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बाय सेलिंग अ साइकिल फॉर ₹675, मतलब एक साइकिल को हमने सेल किया, बेचा कितने रुपीस का? 670 रुपीस का। मतलब एक साइकिल थी मेरे पास, मैंने उसको सेल कर दी कितने रुपीस की? 675 रुपीस की। इसका मतलब ये क्या दी गई है? इसकी सेलिंग प्राइस क्या दी गई है? सेलिंग प्राइस मींस एसपी। राजू इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹75, तो उसे साइकिल बेचने पर लॉस हुआ। कितने रुपीस का लॉस हुआ? 75 रुपीस का लॉस हुआ। कितने रुपीस का लॉस हुआ? 75 रुपीस का लॉस हुआ। तो आपको क्या निकालना है? फाइंड हिज लॉस परसेंट। आपको क्या निकालना है? लॉस परसेंट निकालना है। तब आप अच्छे से देखेंगे तो ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 13 हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 14 किया, सेम एज इट इज़ उसी तरीके से है। आपको सेलिंग प्राइस दी गई है, लॉस दिया गया है, तो आप इसके थ्रू क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस। कैसे? लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो आप उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और वहां से आप क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस। क्या निकालेंगे वहां से? सेलिंग प्राइस। आफ्टर देन यू विल फाइंड आउट लॉस परसेंट। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 13 कराया है सेम एज इट इज़ आपको क्वेश्चन नंबर 18 करना है। इसलिए मैंने अभी 16 और 17 छुड़वाए हैं ताकि आप ये क्वेश्चन नंबर 18 कर लें, क्योंकि ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की तरह है। ओके, तो आप लॉस परसेंट के फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। लॉस पुट करिए, लॉस की वैल्यू पुट करिए, सीपी की वैल्यू पुट करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, देन यू विल फाइंड आउट द लॉस परसेंट। मतलब सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 13, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया, 14 किया, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 18 करना है। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो बच्चों, आज आपका होमवर्क है कि आपको आज होमवर्क से क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और क्वेश्चन नंबर 18 करना है। इन 4 क्वेश्चंस को आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके, कौन कौन से क्वेश्चन याद रखिएगा? 13, 14, 15 और 18। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको समझाऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।